जीनोटाइप वाले गुण जो है वो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं। जीनोटाइप माता पिता से बच्चों को प्राप्त होने वाले हैं। फेनोटाइप वातावरण से प्राप्त होते हैं। देखो जीनोटाइप जो है इसमें माता पिता से जो बच्चों में जीन्स आ जाते हैं उसी के अनुसार बुद्धि आती है बच्चों में। फेनोटाइप में जो जीन्स आए हैं वो तो है ही है, साथ में वातावरण से जो हम सीखते हैं, जैसे बच्चे के जन्म के साथ उसको जो बुद्धि प्राप्त हुई, उसके बाद वो स्कूल जाने लगा उसने कुछ सीखा, उसके दोस्तों के साथ खेला उसने कुछ सीखा, आपस में रहे समाज में रहे सब कहीं से कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो कहाँ ऐड हो जाता है? जेनोटाइप में। जब जेनोटाइप में यानी जीन्स में वातावरण ऐड हो जाता है तो वो बुद्धि किस प्रकार की बन जाती है? फेनोटाइप। इसके बाद तीसरा परीक्षण अंकों के आधार पर, ये वे बुद्धि होती है, ये उस प्रकार की बुद्धि है जिसमें कोई टेस्ट लिया जाता है उसके आधार पर बताया, टेस्ट के जो स्कोर आता है अंक आते हैं उसके आधार पर बताया जाता है कि फलां व्यक्ति में इतनी बुद्धि है। ये वाली जो परीक्षण अंकों के आधार पर जो बुद्धि मापी जाती है इसको हम इतनी सटीक बुद्धि नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सिर्फ बुद्धि का एक ही पक्ष देखा जाता है। जैसे स्कूल की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको इंटेलिजेंस मान लिया जाता है, परंतु क्या समाज में ऐसा होता है फर्स्ट आने वाला हमेशा इंटेलिजेंट होता है? हाँ ये तो है कि वो कुछ मात्रा में इंटेलिजेंस उसमें होती है, पर सबसे इंटेलिजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये थे वर्णन के अनुसार तीन प्रकार, जीनोटाइप, फेनोटाइप और परीक्षण के आधार पर बुद्धि, ठीक है। एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेब। हेब ने भी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। उन्होंने प्रकार बताए हैं टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी बुद्धि। बस वर्णन और हेब ने के बुद्धि के प्रकारों में सिर्फ नाम का फर्क है, यानी वर्णन ने जिन्हें जीनोटाइप कहा है हेब ने टाइप ए बोल दिया, वर्णन ने जिसे फेनोटाइप कहा है हेब ने टाइप बी बोल दिया, वर्णन ने जिसे परीक्षण अंकों के आधार पर कहा हेब ने उसे टाइप सी बोल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे बुद्धि के प्रकार जो हमारे सिलेबस में है और मुख्य तीन लोग थोर्नडाइक, वर्णन और हेब को याद रखना है, ठीक है। थोर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि बताई, वर्णन ने जीनोटाइप, फेनोटाइप और परीक्षण के आधार पर, हेब ने टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, इसे ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए। धन्यवाद।